पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्षत्राणी विकास मंच द्वारा क्षत्राणी शीतकालीन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू सिंह धर्मपत्नी जिलाधिकारी मुरादाबाद, अपर्णा सिंह धर्मपत्नी नगर आयुक्त मुरादाबाद और राजवाला भदौरिया धर्मपत्नी पुलिस अधीक्षक नगर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच की संरक्षक डॉक्टर शैफाली सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत ने अतिथियों को गुलदस्ता और पटका पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर शैफाली सिंह ने सभी अतिथियों और सभागार में उपस्थित सभी क्षत्राणियों का स्वागत कर भारत में क्षत्राणियों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वृंदा, अनुष्का, ईशा, पूजा, खुशी और भैरवी और कैरवी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। महोत्सव में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न सरप्राइज, अंताक्षरी और हाउजी का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण किए गए, अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का सुंदर और सफल आयोजन क्षत्राणी विकास मंच की आयोजन समिति द्वारा किया गया। आयोजन समिति में डॉक्टर शशि चौहान, धारा ठाकुर, पूजा राघव, संगीता राघव, पूजा राघव, मंजुला चौहान, ज्योति चौहान, कंचन चौहान, दक्षिता, गरिमा सिंह, अनीता राठौर, रेखा, शिवानी सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन रिया और कशिश चौहान ने संयुक्त रूप से किया। अपने मानस पटल पर वह चित्र अंकित करने की कोशिश करें जब धोखे से राणा रतन सिंह जी को खिलजी ने कैद कर लिया था। गोरा बादल और मात्र 80 पालकियों, चंद राजपूतों के सहारे खिलजी के गढ़ से रानी पद्मिनी उन्हें निकाल कर लाई थी। और एक दिन वो भी आया जब अपने आत्मसम्मान और बलिदान के अतिरिक्त और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया अग्नि की उस वेदी पर। रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कर्णावती हो या पन्ना धाय जी हो, जो क्षत्रिय कुल में ना पैदा होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का बहुतों से अधिक और बहुतों से अच्छा निर्वहन किया है। आज ड्राइव इन 24 में क्षत्राणी विकास मंच के द्वारा क्षत्राणी शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुरादाबाद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही हॉल में एक ही जगह पे 100 से ऊपर क्षत्राणियाँ इकट्ठी हुई हैं। हमारे मुख्य अतिथि में श्रीमती मंजू सिंह, DM सर की वाइफ, श्रीमती अपर्णा सिंह, नगर आयुक्त संजय चौहान जी की वाइफ और श्रीमती राजबाला भदौरिया, SP सिटी सर की वाइफ हमारी मुख्य अतिथि में थी। और बच्चियों ने कल्चरल एक्टिविटी, डांस और नृत्य और गीत आयोजित किए, हाउजी खेली गई, अंताक्षरी का आयोजन किया गया, थोड़ा छोटे मोटे खान पान का भी आयोजन किया गया, सूक्ष्म जलपान का। ये एक छोटा सा प्रयास है इस क्षत्राणी विकास मंच का कि सारी क्षत्राणियाँ, सारे समाज एकजुट हो, एक दूसरे से परिचय करे, एक दूसरे की बेटियों के बारे में जाने। जब एक बार केवल पुरुष समाज ही अधिकतर क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रमों में रहता है, हमारा ये रहा कि इस बार महिलाएं भी आगे आएंगी और मोदी जी का आह्वान है कि महिलाओं को आगे आना है। 2026 में तो एक तिहाई रिजर्वेशन भी आ रहा है, तो मोदी जी के आह्वान पे हम क्षत्राणियाँ आगे बढ़ी हैं और एक साथ एकजुट होकर कार्यक्रम कर रही हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।